अब सबसे पहले बात करते हैं उस टॉपिक की, जो कि है कि हमें CPL इंडिया से करना चाहिए या फिर अब्रॉड, और अब्रॉड में अगर करना चाहिए तो कहाँ से करना चाहिए। सो इन टुडेज़ वीडियो आई गोना टेल यू वेयर यू शुड डू योर ट्रेनिंग ऑफ अ कमर्शियल पायलट इन इंडिया या फिर अब्रॉड, एंड किन पैरामीटर्स पे आप ये पॉइंट्स कंसीडर कर सकते हैं कि हमें कहाँ CPL करना चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स रो। अगर मैं इंडिया से फ्लाइंग करना चाहता हूँ तो एलिजिबिलिटी है कि मुझे फिजिक्स, मैथ्स एंड इंग्लिश एटलीस्ट 55% इन क्लास 12th होना ज़रूरी है। लेकिन अगर मैं कंसीडर करूँ किसी अब्रॉड स्कूल की, उनकी एज सच कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन जब आप इंडिया वापस आओगे, अपना लाइसेंस कन्वर्ट कराओगे, तो इंडिया में अगर आप पायलट बनना चाहते हो तो ये लाइसेंस की रिक्वायरमेंट सेम रहेगी। मैं बात करता हूँ सेकेंड पैरामीटर की, जो कि है फ्लाइंग क्वालिटी। अब देखो सीधी सी बात है, अगर मैं इंडिया कंपेयर करूँ या अब्रॉड में मैं कंसीडर करता हूँ US, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर कैनेडा, ठीक है, इन पांच के बेसिस पे मैं अभी कंपेयर बता रहा हूँ। अगर मैं इंडिया से फ्लाई करूँ या फिर मैं इन्हीं किसी सिटीज़ या स्टेट से फ्लाई करूँ, क्या लगता है आपको डिफरेंस होगा? सो मेरा आंसर है नहीं, बिकॉज जो सेस्ना 172 आप इंडिया में फ्लाई करोगे वही कैनेडा में मिलेगा। जो DA-42 यानी कि इग्रुआ यानी कि चाइम्स जो उनके पास है एयरक्राफ्ट, वही आप अमेरिका में फ्लाई करोगे। सो एज सच फ्लाइंग ट्रेनिंग में कोई डिफरेंस नहीं होगा अगर आप इंडिया से करो या अब्रॉड से करो। तीसरे पॉइंट पे बात करते हैं ट्रेनिंग क्वालिटी की। अब मैं सबसे पहले इसमें आपको एक बताना चाहता हूँ कि यस, इंडिया का ट्रेनिंग क्वालिटी अभी भी अब्रॉड स्कूल्स के एट पार नहीं है। क्यों नहीं है मैं बताता हूँ। इंडियन स्कूल स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं चलते। इंडियन स्कूल इज़ लाइक, ठीक है, स्टार्ट कर दिया, करते गए, दे डोंट हैव एनी स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ डूइंग। आई एम नॉट सेइंग कि हर DGCE स्कूल ऐसा है, बट कुछ स्कूल्स हैं अच्छे, बट अगेन ज़्यादातर अभी स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं चल रहे। एंड ट्रस्ट मी, दे गोना से कि 200 घंटे पूरे करने हैं, बस कर दो। आई थिंक यू अंडरस्टैंड, मैं इससे ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊँगा। नंबर 4 पे मैं बात करता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर। अब सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर से मेरा मतलब क्या है? देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर से मतलब ये है कि जैसे अगर आप किसी एयरपोर्ट पे लैंड करते हो रात को, क्या उनकी खुद की रनवे लाइट्स हैं? क्या उनके पास VOR है? क्या उस एयरपोर्ट पे ILS है? क्या उनका खुद का NDB है? उनका ATC फील्ड है? ये चीज़ें होती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में। अब मैं आपको बताऊं, देखो इंडिया में अगर आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को छोड़ दो, जो फ्लाइंग क्लब्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हैं, जैसे कि भोपाल हो गया या फिर पटना वाला हो गया, अदर देन दैट उनको एक प्रेफरेंस है, बिकॉज ओरिजिनल एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, हर फ्लाइट उसी वे में ILS यूज़ कर रही है, VOR यूज़ कर रही है, नाइट लैंडिंग हो रही है, रनवे लाइट्स हैं, पापी लाइट्स हैं, एवरीथिंग। बट अगर मैं और बाकी स्कूल्स की बात करूँ जो DGCE के रिकॉग्नाइज्ड स्कूल है, मैं लिस्ट में डाल दूँगा, नीचे देखना ज़रूर, उनमें ये सब कुछ नहीं है। तो यस, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पीछे है हमारा अभी भी। नंबर 5 इज वेदर। अब देखो यार, अगर मैं बात करूँ इंडिया की, लेट सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, नॉर्दर्न पार्ट, लाइक दिल्ली साइड का, दिल्ली रीजन की बात करता हूँ। अब दिल्ली रीजन में एक पटियाला फ्लाइंग क्लब बहुत अच्छा फ्लाइंग क्लब है, नो डाउट, वन ऑफ द बेस्ट। नवंबर लास्ट से लेके फेब फर्स्ट वीक तक यहाँ पे वेदर ख़राब ही रहता है, फॉग, स्मोग, बारिश, सब कुछ। सो यहाँ पे आप कंसीडर करो कि वेदर एक बहुत बड़ा फिनोमिना है। अब मैं बात करता हूँ फ्लोरिडा, जैसे कि अमेरिका की बात करता हूँ। फ्लोरिडा में आप 360 दिन फ्लाई कर सकते हो। आई कंसीडर टोर्नाडोज, हरिकेन, सब कुछ होते हैं वहाँ पे, बट ये डिपेंड करता है तुम किस स्टेट में जा रहे हो। अब तुम कैनेडा में जाके टोरंटो में फ्लाई कर रहे हो, ब्रैम्पटन में फ्लाई कर रहे हो, तो ऑब्वियसली कोल्ड वेदर में यू कैन नॉट फ्लाई। लेकिन आप ये चीज़ देख के चलो कि वेदर चाहे इंडिया की हो चाहे बाहर की सेम होगी, लेकिन इंडिया में थोड़ा डिले होएगा अगर आप नॉर्थ साइड से करते हो। नंबर 6 इज़ CPL एग्ज़ाम्स, थ्योरी एग्ज़ाम्स की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप इंडिया में फ्लाई करते हो आपको 5 DGCE एग्ज़ाम्स देने होंगे, लेकिन अगर आप बाहर से फ्लाई करते हो अब्रॉड से, तो आपको सिर्फ 3 एग्ज़ाम देने होंगे। और अगर आप इंडिया छोड़ने से पहले वो एग्ज़ाम देते हो तो आपको 3 देने होंगे, अगर आप वापस आके देते हो तो आपको 2 ही देने होंगे। बेसिकली हैं वो 3, लेकिन एक मर्ज कर दिया है, जैसे कॉम्पोजिट पेपर कहते हैं, नेविगेशन और मेट्रोलॉजी को एक बना दिया और रेगुलेशन सेपरेट कर दिया। RTR अगर आप किसी कॉमनवेल्थ कंट्री में नहीं गए, अगर आप ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका में नहीं है,
स्पेसिफिकली US में हैं आप, तो आपको RTR भी इंडिया आकर देना पड़ेगा, या आप पहले दे के जा सकते हो, दैट्स योर पर्सनल विश। नंबर 7 एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसे कहते हैं हम टोटल ड्यूरेशन। आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, आपका टाइम मैटर करता है। आज की डेट में पैसे से बढ़कर है टाइम। सो मैं बात करूँ अगर अब्रॉड के स्कूल्स की, अगर आप किसी भी अब्रॉड स्कूल में जाते हो, लेट सपोज यू आर गोइंग इन कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, एनी वेयर इन द वर्ल्ड, टू बी स्पेसिफिक आई एम टॉकिंग अबाउट US, US में फ्लाइंग अगर आप किसी ऐसी स्टेट में जाते हो जहाँ पे बारिश ज़्यादा नहीं है, जहाँ पे ठंड ज़्यादा नहीं है, टू बी स्पेसिफिक फ्लोरिडा की बात कर रहा हूँ मैं। अब फ्लोरिडा में 360 दिन फ्लाइंग है, तो आपको मिनिमलिस्टिक टाइम लगेगा फ्लाई करने का, एंड दैट्स द परफेक्ट वेदर फॉर अ स्टूडेंट पायलट टू फ्लाई। वहाँ पे अपनी ट्रेनिंग करने जा रहे हो, आप जल्द से जल्द चाहोगे आपकी ट्रेनिंग ख़त्म हो। क्यों? जितना ट्रेनिंग में ज़्यादा टाइम लगेगा उतना आपका एक्सपेंडिचर बढ़ता जाएगा, रहने का, खाने का। और इंडिया में आप किसी भी फ्लाइंग क्लब में ले लो एडमिशन, टेक एटलीस्ट 2 years टू कम्प्लीट योर ट्रेनिंग। नंबर 8 ऑन माय लिस्ट इज टोटल कॉस्ट। हम सोचते हैं कि देखो यार अगर हम बाहर से करेंगे CPL, हमने बहुत सुना है कि सस्ता पड़ेगा। आई कंसिडर पड़ेगा सस्ता, क्यों? बिकॉज उनका फ्यूल प्राइसेस कम है वहाँ की स्टेट के हिसाब से। लेकिन अगर आप वही चीज़ कंपेयर करो इंडिया से, जो कि रहने खाने आने जाने का खर्चा है, वो इक्वेट करके यानी कि टोटल करके वो बराबर ही पड़ता है। अगर वहाँ 35 लाख फीस है, यहाँ 40 लाख फीस है, तो आई वुड से वहाँ एक्स्ट्रा होगा खर्चा रहने खाने का, प्लस में तुम्हें इंडिया आके कन्वर्ट भी कराना है लाइसेंस। नंबर 9 पे मैं बात करता हूँ लैंग्वेज प्रोफिशियंसी एंड लैंग्वेज बेनिफिट का। अगर आप अब्रॉड से फ्लाई करते हैं जो कि एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, वहाँ पे आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आपको इंग्लिश सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड ट्रस्ट मी, काफ़ी स्टूडेंट, काफ़ी कैडेट्स मैंने देखे हैं जो इसीलिए बाहर जाते हैं ताकि उनकी इंग्लिश में सुधार हो। ऑटोमेटिकली दे गोना लर्न अ वेरी इफेक्टिव इंग्लिश। क्यों? वहाँ पे सिर्फ फ्लाई करते हो इंग्लिश नहीं बोलनी आपको, आपको हमेशा वहाँ पे इंग्लिश बोलनी है, आइदर विद फ्रेंड्स, इन पार्टीज, इन पब्स। ओवरऑल कंक्लूजन पे आते हैं, नंबर 10 पॉइंट इज कंक्लूजन। देखो यार मैंने आपको 9 ऐसे बड़े पॉइंट्स बताए हैं, फैसला करना आपके हाथ में कि आपको अब्रॉड जाना चाहिए या इंडिया से करना चाहिए। ऑन एंड ऑन मैं बताऊँ, आज की डेट में कोई डिफरेंस नहीं है, आप इंडिया से कर रहे हो, आप अब्रॉड से कर रहे हो। At the end of the day, you can have a license. That's it. उस पर सिर्फ लिखा होगा तुमने कौन से एयरक्राफ्ट पे करी है, कहीं फ्लाइंग स्कूल का नाम नहीं आएगा। लेट्स सपोज कोई बच्चा अलीगढ़ रहता है, तो अलीगढ़ में एक स्कूल है बड़ा पायोनियर एविएशन के नाम से, वो वहाँ से कर ले, उसका रहने का खाने का बहुत खर्चा बचेगा। लेकिन डिपेंड करता है तुम्हें अगर इंडिया से करना है तो। DGCA नहीं कहता तुम कहाँ से करके आ रहे हो, एयरलाइंस नहीं कहती, एयरलाइंस को सिर्फ पायलट्स चाहिए, वो नहीं कहते इंडिया से अब्रॉड से। टिप ऑफ द डे इज़ अगर तुम बाहर फ्लाई करने जा रहे हो और ऐसी कंट्री में जा रहे हो जो कॉमनवेल्थ कंट्री में नहीं आती, मैं बात कर रहा हूँ US की, तो आई रिकमेंड यू और आई वुड से हाईली रिकमेंड आप सारे के सारे एग्ज़ाम्स क्लियर करके जाओ, इंक्लूडिंग RT, बिकॉज आप जब ये एग्ज़ाम्स क्लियर करके जाओगे ना, आपका अलग ही कॉन्फिडेंस होगा अंदर, यू कैन फील लाइक अब तो मुझे सब आता है। एंड इंडिया आने के बाद जब आप कन्वर्ट कराओगे, आपको टेंशन नहीं होगी रिसेंसी की, आप इजीली सिर्फ पेपर वर्क सबमिट करो, जो वहाँ से पेपर्स लाए हो स्कूल्स ने दिया है और जो आपने इंडिया में कन्वर्ट कराए हैं, वो DGCA में सबमिट करो एंड गेट योर लाइसेंस, दैट्स इट। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड डू हिट द लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड ट्रस्ट मी आई गोना मेक अ लॉट गुड मोर वीडियोज लाइक दिस। तब तक के लिए जुड़े रहे मेरे चैनल के साथ, एंड आशा करता हूँ आपकी यात्रा मंगलमय हो।